सरना सड़क की खराब हालत के चलते यहाँ के दुकानदार और राहगीर परेशानी में हैं, जिनका कहना है कि सड़क पर पड़े हुए गड्ढे और उसमें खड़ा रहने वाला पानी उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसलिए प्रशासन इस ओर ध्यान दे और उन्हें राहत दे। मैं मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। साढ़े बैंक के बाहर खड्डा होया काफ़ी बड़ा, जो भी आले दुआले का पानी हैगा अके आके खड़ा हो जाता है, जिदे करके काफ़ी बड़ा खड्डा हो गया है। जेडे कस्टमर साढ़े इतने पैसे जमा कराने आते हैं उन्होंने भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंता है। एक दो बारी तो इतने हादसा होने तो बचा है बड़ा। एक दो बार असं जो बाहर भी मतलब खड़े होंगे है पानी के छिट्टे भी साढ़े उपर पै जाते हैं। साड़ी प्रशासन तो यही मांग हैगी है भी ये जो खड्डा है इनू भरया जाए ताकि कोई वड्डी घटना वापरन तो बचे। अज पैसे जमा करवाए थे इतने तो साढ़े दिखते दिखते ही इतने गड्डी की छिट्टा पईया कपड़े गिले हो गए एक लेडीज़ के बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे है इतने जोड़े कि बड़े बड़े हादसों का कारण बनते हैं। इतने कल एक्सीडेंट हो गए एक मतलब कि लेडीज माहा बची से स्कूटी स्लिप हो गई, यानी कि बहुत बड़ा खड्डा है जोड़ा कि मतलब कि घटनावान का हादसों का कारण बनता है। तो प्रशासन अगर मंग है कि जल्दी जल्दी खड्डे मतलब कि ठीक कराए जाए। इतने मेरी सामने मार्केट आ, इस मार्केट 45 नंबर वार्ड पैंदी आ। बहुत बारी प्रशासन तो इन्हों अधिकारियों को कहा भी इतने आ प्रॉब्लम खड़ी खड़ी अपने जी इतने पानी नजायज आता उधर सरकारी सर्किट टुटरी है तो बैंक इंडिया सामने इतने रोज़ एक्सीडेंट होंगे आ। पब्लिक को बहुत भारी परेशानी आ तो प्रशासन ध्यान देवे तो लोगों की मुसीबत हल करे। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।